हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले दो वीडियो में हमने नैरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं उसके हमने नियम पढ़े थे, ठीक है। और सिर्फ नियम पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो अब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम assertive sentence की प्रैक्टिस करेंगे, फिर interrogative की करेंगे, फिर imperative की करेंगे, फिर exclamatory sentence की करेंगे, फिर operative sentence की करेंगे, ठीक है। फिर let's वाले वाक्य हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरह हम एक एक टॉपिक की मतलब एक एक टाइप के सेंटेंस को बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो भी पढ़े हुए जो नियम थे हमने पिछले दो वीडियो में हमने जो पढ़े हमारी पिछली क्लास में, उन नियमों को अच्छे से फिर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो पॉज करके आपको कुछ क्वेश्चन लिखाऊंगा और फिर हम उसको फिर पॉज करेंगे। फिर सारे क्वेश्चन मैं लिखने जाकर चला जाऊंगा तो फिर 10 मिनट वैसे ही खराब हो जाएंगे। तो मैं वीडियो पॉज करके ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, और उनको हमें डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। She said to me, I am fine now. He said to me, I teach Hindi. I said to her, I am going to meet your uncle. He said to us, I have sent you an email. I said to them, I have been looking for you. He said, I went to college yesterday. He said to her, you will have to write an essay again. She said to me, I do not work for TCS. ठीक है, तो ये सारे डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। said to लिखा है मतलब ये वाले का टेंस भी बदलेगा, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, she told me, और ये मैं ये कॉमा इसका क्या हो जाएगा, that। और अब देखो, अब है I, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में सेज होगा, यानी कि सी के अकॉर्डिंग सेज होगा। मतलब सी अगर यहां पर आ गई सब्जेक्ट के तौर पर तो क्या होगा, सी होगा, सी टोल्ड मी दैट सी, और फिर या एम है, तो मैंने बताया था कि अगर बी वर्ब हो, ठीक है, इज आर एम, तो वो बहुत या बहुत में कन्वर्ट हो जाती है। तो सी के लिए क्या होगा, वॉज, तो सी वॉज फाइन। और मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस बताया था, वो भी चेंज होता है, तो मैंने बताया था कि नाउन किस में चेंज होगा, देन में, ठीक है। तो शी टोल्ड मी दैट शी वॉज फाइन देन। अब ही सेड टू मी आई टीच हिंदी, तो इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट, ही told me that। अब I है, ये first person है, तो subject के अनुसार change होगा, यानी कि he के अनुसार change होगा, मतलब he यहाँ पर आएगा subject के अनुसार, तो क्या होगा, that he, और है teach Hindi, teach Hindi है, मतलब ये present simple tense का है, तो present simple tense किसमें change होगा, past simple में, तो he taught, T-A-U-G-H-T, he taught Hindi। I said to her, I am going to meet your uncle. तो यहाँ क्या होगा, I told her that। कि I है, ये first person के अनुसार चेंज होगा, तो I का I ही है, तो ऐसे कैसे रहेगा I। अब लिखा I am going, am going है, मतलब past continuous है, second tense है, तो ये किसमें चेंज होगा, past, ये present continuous है, I am going। प्रेजेंट कंटिन्यू सेकंड टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यू में है, छठे टेंस में चेंज होगा, यानी कि आई वाज गोइंग टू मीट। अब है योर अंकल, तो योर अंकल रिलेशन किससे है, यू से, तो यू यानी कि सेकंड पर्सन हो गया, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी हर के अनुसार, तो हर जब यहां पर आएगा तो क्या होगा, योर का हर हो जाएगा, यानी कि हर अंकल, ये योर का हर वगैरह कैसे हुआ, इसके लिए
मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे YouTube की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट में जाना, और सबसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने प्रोनाउन की पूरी डिटेल पढ़ाई हुई है, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। He sent to us, I have sent you an email. तो क्या होगा इसका, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, He told us that अब I है तो ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार भी ही के अनुसार सेम होगा, यानी कि यहाँ पर आएगा तो क्या होगा सब्जेक्ट के अनुसार, He told us that he, अब have sent है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि he had sent। अब you है तो you सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी us के अनुसार, यानी कि ये us आएगा यहाँ पर यू की जगह, तो ये यू ऑब्जेक्ट है तो us ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो us का us ही रहेगा। He sent us an email. अब I said to them, I have seen looking for you, I have been looking for you, यानी कि मैं तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, I told them that, अब I है तो इस I के अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, I का I रहेगा, I, और have been looking है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो ये किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, क्या होगा, I had been looking for, ठीक है। अब you है तो you सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि them के अनुसार, तो them यहाँ पर आएगा और ऑब्जेक्ट दिखा लेगा तो them का them ही रहेगा, looking for them। He said, उसने कहा, I went to college yesterday. अब देखो यहाँ सिर्फ said है, यहाँ पर to करके कोई भी object नहीं लिखा गया, तो इसका said का said ही रहेगा। मैंने बताया था, तो क्या होगा? He said that. अब है I, तो I किसके अनुसार बदलेगा? Subject के अनुसार, यानी कि reporting verb के subject क्या है? He, तो he आएगा, यहाँ पर subject के अनुसार दिखाएगा तो क्या आएगा? He. He said that he went to college. Went to college मतलब ये past simple का वाक्य है और past simple किसमें convert होगा? Past perfect में, यानी कि he had gone to college. और yesterday है, इसको क्या लिखते हैं? The previous day. The previous day. अब देखो He said to her, you will have to write an essay again. यानी कि उसने उसको कहा कि तुम्हें एक essay वापस लिखना पड़ेगा. तो क्या होगा? ये indirect system. He told her that. अब you किसके अनुसार change होगा? You second person है, तो reporting verb के object के अनुसार change होगा. ये reporting verb है, इसका object क्या है? Her. ठीक है, तो हर जब यू की जगह आएगा और यू सब्जेक्ट की जगह है तो जब हर सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या होगा? शी, दैट शी। अब विल का मैंने बताया था, विल किस में चेंज होगा? वुड में, तो वुड हैव टू राइट एन एसे अगेन, ठीक है। She said to me, उसने मुझे कहा, I do not work for TCS, यानी कि मैं TCS के लिए काम नहीं करती। तो क्या होगा? She told me that. अब ये I है, I है first person, तो first person reporting verb के subject के अनुसार चेंज होगा। और reporting verb said you का subject क्या है? She. तो she आएगा I की जगह और I subject है, तो she subject के लिए आएगा तो she का she ही रहेगा, she. अब do not work, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव वाक्य है, तो ये प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में, तो she did not आ जाएगा, did not work for TCS, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको उतार लो, फिर मैं
और नए एग्जांपल्स लिखता हूँ, ठीक है? तो मैं सही में हो जाता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके ये एग्जांपल्स उतार लो। यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिख लिए हैं, तो लेट मैं देख लेते हैं इसको। He said it is raining. He said I have had lunch. The typist said I have typed all these letters. She said this is my pen. He said to me you are a rascal. He said to me this is yours. He said to me I saw him yesterday. He said it had been raining hard. ठीक है, तो चलो इसका मैं डायरेक्ट बनाते हैं। He said, अब देखो यहाँ पर said के बाद टू करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे? He said, और ये जो कॉमा है इसकी लिख देंगे that it is raining। अब देखो ये it जो है ये थर्ड पर्सन में आता है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे it। अब इज रेनिंग है बोले तो पास्ट कंटिन्यू है, और पास्ट कंटिन्यू किस, सॉरी नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यू है, और प्रेजेंट कंटिन्यू किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यू में, तो इट वाज रेनिंग आ जाएगा। अब देखो इसका ही डायरेक्ट बनाते हैं। ही सेड आई हैव हैड लंच, यहां पर हैव हैड है, हैड का मतलब होता है भोजन करना, मैंने यूज ऑफ हैव के अंदर बता दिया, ठीक है? मेरे टेंस की प्लेलिस्ट का सबसे लास्ट वाला वीडियो है, वो है के पूरा उपयोग ही बताया कि हैव का उपयोग कहाँ कहाँ, कैसे हेल्पिंग वर्ब में कहाँ होता है, वर्ब में कहाँ होता है, मेन वर्ब में कहाँ होता है, कैसे कैसे पूरा एक वीडियो में मैंने बताया होगा, तो अगर नहीं पता तो वहां जाके देख लीजिए। तो ही सेड, अब यहाँ पर भी सेड लिखना है, टू करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसा कैसा लिखेंगे? ही सेड दैट आई, अब आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, तो सेड का सब्जेक्ट है ही, तो ही आएगा, आई की जगह, तो आई है सब्जेक्ट की जगह, तो ही सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो ही का ही रहेगा। He said that he have had का मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये चेंज किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड हैड आएगा, और लंच का लंच, ठीक है? The typist said, I have typed all these letters. ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? The typist said का said ही आएगा, क्योंकि पीछे टू करके कोई है नहीं, और फिर आएगा then। अब देखो I have typed all these letters में भी I है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन typist के अनुसार चेंज होगा, ठीक है? तो टाइपिस्ट क्या है? ये सी है, कोई भी आपकी जो इच्छा हो वो लिख लो, सी है टाइपिस्ट, ये भी हो सकती है और सी भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। तो टाइपिस्ट सेड दैट बी या सी, और हैव टाइप्ड, हैव टाइप्ड मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे नहीं, इसमें होगा पास्ट परफेक्ट में, तो सी या सी करके क्या होगा? हैव टाइप्ड। और अब देखो ये दीज है, तो दीज किसमें चेंज होता है? दोज में, दीज का हो गया दोज लेटर्स, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है? किसने बताया हुआ है? जो एडजेक्टिव ऑफ प्लेस और टाइम चेंज होता है उसमें बताया हुआ है। शी शेड दिस इज माय पेन, ठीक है? शी शेड दिस इज माय पेन, तो इसको कैसे लिखेंगे? शी शेड, क्योंकि पीछे तो टू करके कोई है नहीं, तो कोई होगा नहीं, तो शी शेड दैट दिस है, दिस का हो जाएगा दैट, इज है तो इज आ रहा है, अब जैसे वाज पर तो दैट के लिए आ जाएगा वाज, क्योंकि दैट सिंगुलर है। दिस वाज अब माय पेन, अब माय पेन है तो माय पेन ये माय आई से रिलेटेड होता है, और आई से रिलेटेड होता है मतलब आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार है, सी के अनुसार, तो सी का जब होगा यहां पर आएगा तो सी का क्या होगा? हर पेन, ठीक है? He said to me, you are a rascal. इसने मुझे कहा कि तुम एक रास्कल हो। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? अब यहाँ पर said to आ गया, तो यहाँ पर told हो जाएगा। He told me that.
अब है कि यू आर रास्कल, तो यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी मी के अनुसार चेंज होगा। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर बैठा है और मी यानी कि आई, आई जब यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या होगा आई यानी कि आई। अब आर है तो मैंने डी वर्ब में बोला था ई जा रहे हैं वर्ब में चेंज होता है, तो आई वाज अ रास्कल इसमें आ जाएगा। ही सेड टू मी दिस इज योर्स, he said to me this is your, इसका इंडेक्स क्या होगा अपसेट टू इन द टोल्ड हो जाएगा, he told me that, ठीक है this is yours, तो this का ऑफिस डेट हो गया that, that अब ई है तो ई जाएगा का बोल कर हो जाता है, तो this that was yours था। अब देखो yours का रिलेशन है you से, अब you यानी कि सेकंड पर्सन, पर सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट का जब ये जो है योर्स ये है पजेसिव नाउन, और जब मी, मी का रिलेशन है होता है आई से, तो आई का पजेसिव नाउन क्या होता है माइंड, इसके लिए पूरी सारणी आनी जरूरी है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के पहले इसके सबसे लास्ट वीडियो में मैंने बताई दी है, नहीं बीच बीच में नहीं देखी तो फिर नहीं समझ आ रहा था, कोई मतलब नहीं है, जाओ करके सारणी देखो। ही सेड टू मी I saw him yesterday. इसने मुझे कहा कि मैंने उसको कल देखा, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? He told me that. अब आ गया I. I first person है तो कब किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, he के अनुसार होगा। He सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? He. अब देखो saw यानी कि ये है past simple. तो past simple किसमें चेंज होगा? Past perfect में यानी कि he had seen. अब है हिम, हिम है तो हिम का रिलेशन होता है ही से, और ही होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो इसमें ऐसे ही से रिलेशन है ही, और यस्टरडे को क्या लिखते हैं तो प्रीवियस डे। आप चाहो तो इसको द डे बिफोर भी लिख सकते हो। ही सेड इट हैड बीन रेनिंग हार्ड, यानी उसने कहा कि बारिश बहुत तेज हो रही थी। अब ही के साथ अब सेड ही है, कोई और टू करके तो सब्जेक्ट है नहीं, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? इनडायरेक्ट क्या होगा? ही सेड दैट। अब इट है वो थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, इट का इट ही रहना चाहिए, यानी कि इट का इट, और हैड बीन यानी कि ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू वो बदलता है तो वापस पार्ट परफेक्ट कंटिन्यू में ही बदलता है, मतलब बदलता ही नहीं है ऐसे समझो। तो इट हैड बीन रेनिंग हार्ड, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन, ये कुछ सेंटेंस थे जिसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला, मैं साइड में हो जाता प्रत्येक के लिए, आप इसको उतार लो, ठीक है। अगर टाइम रहा तो इस वीडियो में थोड़े से सेंटेंस और कर लेंगे। यहाँ पर कुछ सारे सेंटेंस मैंने और लिखे हैं, चलो एक बार देख लेते हैं इसको। He said to me, I will see my doctor this evening. उसने मुझसे कहा कि मैं आज शाम को मेरे डॉक्टर से मिलूंगा। She said, I will have completed the work by Monday. He said to me, it may rain today. ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, चलो देखो। He said to me, अब said to के साथ आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? He told me, और फिर देखो that, अब ये I है, ये first person है, और first person reporting verb के subject के अनुसार चेंज होता है, तो reporting verb said to है, इसका subject है he, तो he यहाँ I की जगह आ जाएगा, I subject की जगह, तो he subject की जगह आएगा, तो क्या होगा? He का he बनेगा, बिल्कुल हम बनाएंगे word में, convert कर देंगे, ठीक है। He would see, ठीक है। अब my doctor है, तो my का संबंध होता है I से, और I होता है first person, और first person किसके अनुसार चेंज होगा? Subject के अनुसार, तो इसका जो I होगा वो चेंज होगा first person यानी he के अनुसार, और ये I है ये है possessive adjective, ठीक है, ये है possessive adjective, तो he इसकी जगह आएगा,
और ही का प्रेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज एंड ही इज डॉक्टर दिस इवनिंग. तो दिस का हो जाएगा दैट, यानी कि दैट इवनिंग. अब देखो, शी सेड आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे. अब यहां पर शी सेड ही है, पीछे टू के ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका हम इनडायरेक्ट बना देंगे, लिखेंगे शी सेड दैट. अब आई विल है, तो आई होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन मैंने बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. रिपोर्टिंग वर्ब के थे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसका सब्जेक्ट है सी, और शी जब यहां पर आई की जगह आएगा और सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या होगा? शी. और विल है ना, तो विल का हो जाएगा वुड. वुड है कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे. मंडे तक वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी. ठीक है, ही सेड टू मी इट मे रेन. अब इसमें सेड टू भी आ गया. ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट मैं कर लेंगे तो क्या होगा? ही टोल्ड, he told me that it है, तो it third person होता है. ठीक है, तो it नहीं बदलेगा. may का हो जाएगा might, और rain का rain, rain ही रहेगा. अब है today, today का हो जाएगा that day. ठीक है, तो हमने इतने सारे जो examples पढ़े वो थे ऐसा thing. ठीक है, ऐसे भी यानी कि या तो नेगेटिव के थे या एफर्मेटिव के थे. अब हम करते हैं इंटरोगेटिव के. ठीक है, तो इंटरोगेटिव में दो तरह के वाक्य बनते हैं, एक तो बनते हैं एल्पिंग वर्ब से, एक बनते हैं डब्ल्यू एच वर्ब से. ठीक है, तो दोनों ही वाक्यों में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसकी वो होती है इंटरोगेटिव में, प्रश्नवाचक होती है. ठीक है, तो प्रश्नवाचक होती है, बोले तो ये जो होगा वो कुछ ना कुछ पूछेगा. तो इसके अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, दोनों के अंदर वो पूछी जाती है आस्क या इंक्वायर्ड या क्वेश्चन या वांटेड टू नो, कोई भी आ सकता है. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आस्क भी आ सकता है, इंक्वायरी भी आ सकता है, इंक्वायरी करना, आस्क क्वेश्चन एंड क्वेश्चन करना, या वांटेड टू नो की जानना चाहता है. ठीक है, कोई भी आ सकता है. यदि आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटरोगेटिव में है, तो जब पैसिव इसका जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट में बनाने में ये जो सेड टू था ये टोल्ड में कन्वर्ट हो रहा था. ठीक है, तो जब आगे वाला जो ये है ये अगर इंटरोगेटिव में है तो या तो ये जो सेड टू है वो या तो आस्क में लिखा जाएगा, कन्वर्ट हो गया, तो आस्क लिखेंगे या इंक्वायर लिखेंगे या क्वेश्चन लिखेंगे या वांटेड टू नो ये लिखेंगे, इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे. ठीक है, और अब यदि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे इफ, दैट भी लिखेंगे, और दैट की जगह क्या लिखेंगे? इफ. और उसके बाद जो भी पूरा जो सेंटेंस होगा वो लिखेंगे एफर्मेटिव में. क्यों? क्यों? क्योंकि कभी भी जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें वाक्य को इंटरोगेटिव नहीं लिखा जाता, एफर्मेटिव में लिखा जाता है. ठीक है, तो एफर्मेटिव या नेगेटिव में लिखा जाता है, लेकिन कभी भी वाक्य इनडायरेक्ट में कभी भी इंटरोगेटिव नहीं होता. तो इफ करके जो भी वाला वाक्य होगा उसको किसे लिखेंगे? एफर्मेटिव में. और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से हो रहा है, ठीक है, तो वो डब्ल्यू एच वर्ड इफ नहीं लिखेंगे और फिर वाक्य को एफर्मेटिव में लिखेंगे. इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो रिपोर्टेड स्पीच एफर्मेटिव में या नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, और एफर्मेटिव या नेगेटिव को साथ में क्या बोलते हैं? एसर्टिव. ठीक है, मतलब इसके बाद जब भी वाक्य लिखेंगे वो कैसा होगा? वो इंटरोगेटिव नहीं होगा. ठीक है, डब्ल्यू एच के बाद में भी लिखेंगे वाक्य तो वो नहीं होगा. तो ये डब्ल्यू एच के बाद में इफ भी लिख सकते हैं और इफ की जगह वेदर भी लिख सकते हैं. डब्ल्यू एच ही, ठीक है, इफ भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं, ज्यादातर इफ यूज करते हैं.
ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड अगर हुआ तो डब्ल्यू एच वर्ड का तो होगा वो ही लिखेंगे। तो चलो एक बार जब हम करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो, और यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क, मतलब ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है इंटरोगेटिव है, मतलब इसमें प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ सेड टू बी लेके आएगा आस्क, ठीक है, इसमें इंडायरेक्ट नहीं चलते। अगर आई आस्क आस्किंग, ठीक है, अब डू यू नो है, अब डू यू से पता तो चल गया होगा कि ये वाला वाक्य किसमें है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसका टेंस बदल के क्या होगा पास्ट सिंपल में होगा, ठीक है, इस वाले वाक्य को पास्ट सिंपल में लिखेंगे। लेकिन अब इंटरोगेटिव है तो क्या लगेगा इफ लगेगा, दैट नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा इफ, और डू यू नो है इसको हम लिखेंगे पास्ट सिंपल में और वो भी एफर्मेटिव में, यानी कि अब यू है यू, ठीक है, अब यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी इन के अनुसार, तो हिम यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और हिम यहाँ पर आएगा तो सब्जेक्ट क्या होगा ही, तो इफ के बदले क्या है इफ ही और नो का हो जाएगा न्यू, ठीक है, और वैन तो वैन ही रहेगा। अब है शी, तो शी तो है थर्ड पर्सन बदलता नहीं है तो वैसे कैसे रहेगा शी, विल का हो जाएगा वुड, वो का वो और वो का वो, ठीक है। अब वापिस क्वेश्चन मत लगाना, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। तो अब भाग देखो, मैं बस यही समझाना चाहता हूँ कि जब इंटरोगेटिव बन रहा हो और हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बन रहा हो तो यहाँ पर जैसे कि हम कंजक्शन लगा रहे थे यहाँ पर दैट यहाँ पर दैट यहाँ पर दैट, ठीक है, और जब रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंटरोगेटिव होती है तो इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजक्शन क्या लगता है इफ, अगर हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बन रहा है तब तो इफ या वेदर दोनों में से कोई इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो दैट की जगह डब्ल्यू एच वर्ड होगा वो का वही इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद जब भी वाक्य लिखा जाएगा वो टेंस बदल करके लिखेंगे और उसको ऐसा टेप में लिखेंगे, ठीक है, यानी कि वो वाला वाक्य सिंपल ही होगा, उसको इंटरोगेटिव में वापस नहीं लिखेंगे। अब देखो माय मदर सेड टू मी डज शी वांट टी, ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, अब ये वाला वाक्य है ये इंटरोगेटिव है मतलब पूछ रहा है, ठीक है, मेरी माँ ने मुझे पूछा नहीं क्या वो चाय चाहती है, इसको ऐसे लिखेंगे माय मदर, अब मेरी माँ ने पूछा है तो सेड टू की जगह क्या लिखेगा आस्क आस्क मी, और अब वाक्य इंटरोगेटिव है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बनाए तो हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बनता है तो हम क्या लिखते हैं इफ, और ये वाला वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल में है क्योंकि दिस से पता चल रहा है प्रेजेंट सिंपल में, तो जब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये पास्ट सिंपल में बन जाएगा, ठीक है, पास्ट सिंपल में बन जाएगा पास्ट सिंपल लिख लेंगे, और सी में ये थर्ड पर्सन है तो चेंज होती नहीं है तो इस पर ऐसे लिखेंगे सी, और वांट की होगी वांटेड और टी, फिर वापस हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे नहीं तो लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा। अब देखो इसके इनडायरेक्ट देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क किया, टीचर बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है, तो देखो ये भी पूछा ही है तो इसके वजह से होगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक है, अब एक डिड है तो आ गया इफ क्योंकि इंटरोगेटिव है, अब यू है सेकंड पर्सन, द सेकंड पर्सन से चेंज हुआ स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स से, और स्टूडेंट बहुत सारे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं तो जब ये बहुत सारे हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में यू भी दिखाएगा तो ये हो जाएंगे बहुत सारे, यानी कि दे, क्योंकि ये बहुत सारे, तब उन्होंने पूछा कह रहे मुझे क्या तुमने होमवर्क किया, मैं जब इसका इनडायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, तो मतलब अगर इनडायरेक्ट बनाया तो क्या करते हैं ये बात मैं किसी और को जाके कहूंगा तो क्या कहूंगा कि क्या ये मुझे ये कहेंगे कि टीचर ने बच्चों से पूछा क्या उन्होंने होमवर्क किया, तो मैंने
प्रोनाउन वाले सारणी में बताया था कि उन्होंने या हाँ उन्होंने या दे, ये अगर दो आ जाए तो क्या यूज करते हैं दे। तो यहाँ पर अगर दे और डिड है तो डिड पास्ट सिंपल है तो टेंस चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। तो डिड का की जगह क्या जाएगा हैड और फिनिश की वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी यानी कि फिनिश वर्ड। ठीक है और अब है योर है तो यू का योर हो गया तो दे का हो गया देयर ओनर। She said to me, "Have you ever taken coffee here?" क्या तुमने यहाँ से कभी कॉफी पी है? तो ये भी पूछा है। तो क्या होगा इसका इंडायरेक्ट? She या said to me जो होगा asked to me। अब ये इंटरोगेटिव जो हो रहा है वो एफ्रिमेंट से इंटरोगेटिव बन रहा है। तो क्या होगा if और you second person है तो किससे चेंज होगा? Me से और me यानी कि I और आई जब यहाँ यू की जगह आएगा और यू है सब्जेक्ट तो जब आई सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई बनेगा। शी आस्क्ड मी इफ आई और अब हैव से पता चल रहा है कि हैव टेकन, इससे पता चल रहा है कि वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट में और ये चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज चला जाएगा यानी कि हैड टेकन कॉफी। ठीक है और हेयर का हो जाएगा डियर। ठीक है तो यहाँ तक तो हमने पढ़े एसर्टिव के। ठीक है और अब हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव के। तो इंटरोगेटिव में दोनों साथ ही पढ़ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले होंगे तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगेगा और उसके बाद में बाकी जो होगा वो एसर्टिव में रहेगा यानी कि नेगेटिव वापस इंटरोगेटिव नहीं आएगा। और अगर डब्ल्यू एच से हो रहा है तो हम दैट की जगह यूज करेंगे कंजंक्शन WH वर्ड यूज करेंगे उसके बाद में जो वाक्य होगा वो एसर्टिव में लिखा जाएगा वापस इंटरोगेटिव में नहीं लिखा जाएगा। तो मैं साइड में बताता हूँ आप एक बार इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ लेते हैं फिर क्या ज्यादा हो जाएगा आप भी बोर हो जाओगे। तो बाकी के जो भी हम जो प्रैक्टिस है जैसे जो सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट में हम बनाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है तो मैंने जो भी पढ़ाया ठीक है उसका डायरेक्ट नहीं पढ़ाया उसके पहले बेसिक समझाया उसके नियम समझाए और फिर मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर आया। ठीक है तो अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है इसका मतलब है कि आपने वो जो मैंने दो पिछले दो वीडियो में जो पढ़ाया वो आपने सही से नहीं पढ़ा आपने नियम सही से याद नहीं की या फिर मैंने आपको कहा कि प्रोनाउन वाली सारणी याद कर लेना जो कि पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट के सबसे लास्ट में तो वो भी आपने लास्ट वीडियो में तो वो भी आपने नहीं की थी होगी तो आपको दिक्कत आ रही होगी क्योंकि बाकी अगर आपने मैंने जो आपको लिखाया पिछले दो वीडियो में नियम ठीक है वो नियम और प्रोनाउन की सारणी अगर आपको अच्छे से याद है तो हो ही नहीं सकता कि मैंने आपको पढ़ाया उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ क्या पल्ले नहीं पड़ रहा हो कोई एक ही बात हुई तो वो पूरा याद कीजिए और फिर स्क्रैप को खोजने की कोशिश कीजिए तब आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आएगा वरना फिर नहीं आएगा। ठीक है तो अगर आप इस वीडियो में भी आप बता सकते हो कि मुझे मतलब मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा ठीक है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम जो ये सेंटेंस कर रहे हैं वो मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है अगर कहीं गलत पढ़ा रहा हूँ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और छोटी मोटी अगर मैंने कहीं एरर की हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वापस कभी नहीं देखता एक बार भी नहीं देखता। ठीक है आज तक नहीं देखा ना कभी आगे देखूंगा तो कमेंट सेक्शन इसलिए होता है कि आपको एरर हो तो बता देना मैं कमेंट जरूर देखता हूँ और अगर होगी तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करो सब्सक्राइब तो हमने किया ही होगा लाइक कमेंट आप करना आपका काम है। ठीक है ओके बाय तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा जय श्री राम आप सबको प्रणाम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।